जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे। आए मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। मैं शकील सलीम लंदन से आज आपके सामने मती 15 बाब की तलावत करने को हूँ। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलम से यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं, खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुम अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातल करते हो। आए रियाकारो, इशाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। इन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड़े में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें भी समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ये नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में जाता है और मजला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वो ही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोने खाना खाने आदमी को नापाक नहीं करता। बस यीशु वहां से निकलकर सौर और सदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। अगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर, उससे जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पा गई। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताजुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं
और इनके पास खाने को कुछ नहीं और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। शागिर्दों ने उससे कहा, पिया बार में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं? कैसी बड़ी भीड़ को शेर करें? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां। उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और इन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को और सब खाकर शेर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 60 टुकड़े उठाए और खाने वाले सिवाय औरतों और बच्चों के 4,000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार होकर मकदून की सरहदों में आ गया। पाकलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे साथ हम आवाज होकर जय मसीह।